हाय गाइस, दिस इज महबूबा 69 हियर, और आज हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की। तो मुझे मुझे जिसे 30 के ऊपर व्यूज नहीं आते उसे हेट कमेंट्स मिले। हाँ, हेट कमेंट्स, डिसलाइक्स। अरे कोई लाइक नहीं करता, लोग डिसलाइक करके जा रहे हैं। अगर तुम लोग पूछ रहे हो केविन तुझे इतनी हेट मिली, तुझे डिसलाइक्स मिले, तुझे हेट कमेंट्स मिले, तो तू ये वापस क्यों कर रहे है? Why are you doing this again? The only answer is because मैं अपने content से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, not because कि वो मेरा highest viewed video है, okay? Fuck you. तो मैं ऐसे ही time pass कर रहा था, hentai search कर रहा था, और उसी के बीच में मेरे एक दोस्त ने मुझे एक message किया और मुझे उसने बोला कि नेहा दुपिया ने एक reel डाला है, तू देख। I was like, तू पागल है क्या? तू reel भी क्या भेज रहा है मेरे को? वो भी नेहा दुपिया का। But मैंने वो reel देखा। यार कैसे कर लेते हो यार तुम सब? टैलेंट से करते हैं हम। I can't do it, बार बार वही गाने पे वही स्टेप, इसको कंटेंट कहते हो? मतलब कुछ भी करोगे? I'll tell you my issue with all the content on social media. Don't. अगर कंटेंट क्रिएट करना है ना तो कुछ ओरिजिनल करो, कुछ नया करो, अदरवाइज रिमेंबर वन थिंग, you're wasting internet. First of all, she is wearing a blazer. और जो भी लड़की ब्लेजर पहनती है ना, I'm very scared of them. You know why? Because उनके पास एक चीज होती है जो और किसी लड़कियों के पास नहीं होती, opinions. अरे क्रिएटर बनो यार, follower नहीं। Wow, नेहा दुपिया, thank you for saying that awesome line. मैं अभी क्रिएटर बनूंगा, follower नहीं बनूंगा। पर आप मुझे जो चुतिया बना रहे हो उसका बारे में क्या? So first of all, this is a very stupid thing. Originality के बारे में बात नेहा दुपिया कर रही है। नेहा दुपिया, okay? नेहा दुपिया जो रोडीज कर रही है, रूडीज जो किसी फॉरेन शो का कॉपी है। बट ये वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला, और मेरे पिछले कमेंट्स देख के भी मुझे पता चला कि वाई पीपल वर हेटिंग ऑन मी, बिकॉज जब उस लड़के ने बोला कि यू नो मेरी गर्लफ्रेंड 5 लड़कों के साथ है, तो मैं उसको कान के नीचे मार दिया, एंड देन शी गॉट एंग्री। एज अ लॉयल पर्सन, सो यू नो शी स्टिक विद ओनली वन गाय हर एंटायर लाइफ एंड डेटेड नो वन एल्स। That is why नेहा दुपिया got offended. जब तक नेहा दुपिया थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, okay? It was fine. क्योंकि it was नेहा दुपिया saying this. But उसके बाद, one of the biggest original creators of Bollywood, one of the biggest directors of Bollywood, okay? साजिद खान, sorry, फराह खान. Guys, I just saw नेहा दुपिया's video trying to dance and catch up on the trends. नेहा तू बहुत funny है यार. नेहा तू बहुत funny है यार. Said no one else. क्या रोस्ट किया तूने क्रिएटर्स को? क्या रोस्ट किया है क्रिएटर्स? मतलब क्रिएटर्स की ना? यार कुछ ओरिजिनलिटी रही नहीं, नेहा सही बोल रही है यार, वही सब चेप के कॉपी पेस्ट हो रहा है। वही सब चेप के कॉपी पेस्ट हो रहा है। Says फराह खान। फराह खान जिसकी ओम शांति ओम जैसी मूवी है, ओम शांति ओम एक नहीं दो पिक्चर से कॉपी की गई, और ओरिजिनलिटी में इन्होंने जोकर और 30 मार खान जैसी मूवीज बनाई है, और सबसे बेस्ट दिल वाले। टैलेंट तो तेल लगाने गया है यार, मैं पक चुकी हूँ यार, प्लीज क्रिएटर्स कुछ करो। एंड आई मीन आई अंडरस्टैंड कि वो टैलेंट की कमी के बारे में बात कर रही है। आई मीन लुक एट हर ब्रदर, ओनली थिंग ओरिजिनल फराह खान हैज क्रिएटेड इज हर चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स फराह खान इज अ बिग पर्सनैलिटी, सो यू थिंक कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली रहेंगी, राइट? राइट? जस्ट लाइक योर बुलशिट मूवीज। आई एम कमिंग मैम विथ न्यू ट्रेंड, डोंट वरी। आकाश पनवर हैज गॉट यू, ओके? प्लीज डोंट बिकम केजर टू। आई रियली लव योर पर्सनैलिटी, फीलिंग सैड टू सी सच हॉरिबल आउटफिट्स एंड टैकी ग्लासेस मेकिंग यू लुक मच ओल्डर। उसके बाद उनका ना एक इंटरव्यू आया विद मुकेश छाबरा। You know, I feel and Farah, you fully agree with me on this because we've had this conversation before. It just lacks so much originality. नेहा ने करेक्ट बोला, क्योंकि सब है ना ट्रेंड, एक ट्रेंड आता है फिर सब वही ट्रेंड फॉलो करते हैं, कोई ओरिजिनल क्रिएशन कोई कंटेंट कोई क्रिएट नहीं कर रहा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड इसके लिए होता है ताकि सब लोग कॉपी कर सके। जैसे अभी भी बॉलीवुड में ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि सब लोग बायोपिक्स बना रहे हैं, ओके? वो ट्रेंड था और वो ट्रेंड सबने कॉपी किया है लाइन में।
वही होता है ना, कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, इनफ ओरिजिनलिटी यार। चुप, ओरिजिनलिटी कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट ओरिजिनलिटी ओरिजिनलिटी दे नीड टू क्रिएट समथिंग बिकॉज़ दे ओनली फीड देम जो उनको चाहिए, वी दे नीड टू कम अप विद देयर ओन आइडियाज। They need to come up with their own ideas. Mukesh. First of all, Mukesh, you are the third most famous person named Mukesh. पहला ये बंदा है. Your last film, हाँ, दिल बिचारा, वो adaptation थी Fault in the Stars. तू original idea के बारे में बात कर रहा है? नहीं नहीं, एक मिनट. तू रहा, like 10 सेकंड के लिए मेरे साथ आई कांटेक्ट में रहे, ओके? कि लाइक यू हैव ओरिजिनल आइडियाज। बाद में जाके पता चलता है कि इट इज ऑल, ये सब लोग जो वीडियोस डाल रहे हैं कि यू नो ओरिजिनल कंटेंट करने का है, ऑफ कोर्स ओरिजिनल चाहिए हमको, ओरिजिनलिटी, क्योंकि उनको खुद के ऐप के बारे में एडवर्टाइज करना था। उनके ऐप का नाम, एक मिनट, रोस्को की बोस्को कुछ है, रोपंचो बोपंचो, मेरे को अभी याद नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल द रॉन्ग पीपल, ओके, इतने गलत लोग लिए हैं ना ये लोगों ने सब एडवर्टाइज करने के लिए, बिकॉज बॉलीवुड वाले एंड ओरिजिनलिटी जस्ट डजंट मैच अप समटाइम्स, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इन्हें कहीं ना कहीं से तो गाना उठाया रहता है, पूरी मूवी उठाए रहते हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जिनसे उठाई है, जिनसे कॉपी की है, उनको क्रेडिट भी नहीं दिया जाता, ओके। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि टॉर्टोइज और रैबिट में रेस लगी, और दोनों को इसमें रेस लगाना थी कि पिक्चर कौन सबसे अच्छा बनाता है। रैबिट ने ओरिजिनल पिक्चर बनाई और टॉर्टोइज ने किसी की कॉपी की, थोड़ी सी अलग अलग जगह से कॉपी करके खुद की एक मूवी बनाई, ओके। और मैच कौन जीता पता है? टॉर्टोइज, नॉट बिकॉज उसने कॉपी की थी सबसे, उसने अपना खुद का कुछ तो बनाया था। अदरवाइज रैबिट ने खुद की ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी थी, पर वो इतनी गंदी थी ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ओरिजिनल इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट, ओके। आई मीन कम ऑन, मैं झूठ नहीं बोलता, पर मैंने प्यूडीपाई का कॉन्सेप्ट कॉपी किया, प्यू न्यूज से मैंने खुद का ये तो लेटेस्ट न्यूज कर दिया, थगेश ने मेरा कॉपी करके खबरेश कर लिया। आई मीन इट्स ओके, यू नो थगेश एक छोटा यूट्यूबर है तो मैं ऐसे उसको जाने देता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ। ऑन दैट नोट, मीट यू नेक्स्ट। की माँ मर जाएगी जो इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा, जो मेरे वीडियो को फॉलो एंड लाइक करेगा 4 दिन बाद उसके घर में खुशियां आएगी, और जो लाइक एंड फॉलो नहीं करेगा 4 दिन बाद उसकी माँ मर जाएगी, और जो गलत कमेंट देगा उसकी भी माँ मर जाएगी।